So here I'm using now डॉम्स पेंसिल कलर. सो ये नॉर्मल वाले पेंसिल कलर हैं डॉम्स के जो मैं यूज़ कर रही हूँ. आज इनका रिजल्ट हम देखते हैं. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे येल्लो कलर लिया है और इसको जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है उस पार्ट को हम इससे येल्लो कलर कर लेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट. ओके नाउ सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करेंगे हाइलाइटिंग पार्ट्स पे. तो सारी पेटल्स को हम इसी तरीके से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर कलर करेंगे. ओके लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट, तो मैंने लिया है यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज कलर. इसको हम लाइट लाइट यहाँ पे इस तरीके से करेंगे लाइक दिस. ओके सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करेंगे. Like this class. Okay. नाउ मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर को हम डार्कनेस के लिए यूज़ करेंगे. जहाँ पे शेड होगा उस साइड जहाँ डार्कनेस होगी उन पॉइंट्स को हम करेंगे कलर. ओके इस तरीके से. इन पार्ट्स को थोड़ा सा और डार्क डार्क हम कर लेंगे ऐसे ही. पूरी पेटल्स को हम इसी से हाईलाइट करेंगे पहले. कॉर्नर से डार्कनेस देंगे. लाइक दिस ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे. ओके आउटलाइन हैंड टू हैंड करेंगे. ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ भी इधर भी डार्कनेस करेंगे और ऐसे करना है कि इसको हैंड टू हैंड ब्लेंडिंग भी करना है. ब्लेंड करते रहिए हैंड टू हैंड. इस तरीके से आपको करना है.
like this. चलिए हो गया ना. यहाँ अभी थोड़ा सा हमको करना होगा. ओके डन. सो अभी हम रेड कलर लेंगे एंड पिंक. सबसे पहले हम पिंक यूज़ करेंगे. पिंक की हेल्प से हम इस तरीके से स्ट्रोक्स के साथ इसको शेड करेंगे. ओके एंड ऐसे ही ऊपर से हम नीचे की साइड करेंगे. ऐसे ही जब तक ये थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता हमें तब तक शेडिंग करते रहना है लेयर बाय लेयर. तो पेंसिल की हेल्प से ही, मैं टिप की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस. ओके इसी तरीके से ब्लेंडिंग के साथ हम शेड करते रहेंगे. सर्कुलर मोशन में आपको इसको ब्लेंड भी करते रहना है. लाइक दिस. ओके तो ऐसे ही सेम प्रोसेस हम यहाँ भी रिपीट करेंगे. देन फिर हम रेड कलर यूज़ करेंगे एंड ब्राउन आल्सो. एंड ये जो हमने डार्क ब्लैक कलर से जो हमने किया था शेड, इसको भी हम इसी के साथ मर्ज करते हुए अच्छे से ब्लेंड करेंगे. देखिए सारी जो हमने ब्लैक कलर यूज़ किया था उसको भी इसके साथ इस तरीके से ब्लेंड करना है. ओके हल्का हल्का पर्पलिश कलर यहाँ पे हमें मिला है. ओके सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करेंगे. ऊपर से नीचे की साइड इस तरीके से हमें शेड करना है. सो लाइक दिस. देखिए थोड़ा सा मैंने ब्लैक का भी अभी इसमें किया है. इस साइड मैंने इसको किया है. सेम साइड भी हम थोड़ी सी डार्कनेस फिर से इससे करेंगे लाइक दिस सेम. ओके और ब्लेंडिंग करते रहेंगे हैंड टू हैंड इस तरीके से बिल्कुल लाइट हैंड से, प्रेशर के साथ नहीं करना है. ओके फिर से यहाँ भी एंड इस तरीके से हल्का हल्का ब्लैक का शेड हम नीचे की साइड लेके आएंगे. ओके लाइक दिस. बिल्कुल लाइट लाइट करना है. ऐसे ही ऊपर की साइड करेंगे. यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड एंड ऊपर से नीचे की साइड करना है. लाइक दिस. देखिए तो सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करेंगे. देन आफ्टर हम रेड का यूज़ करेंगे. सो अभी मैंने ब्लैक से शेडिंग कर ली है. इसमें हल्की सी ब्लेंडिंग कर लेंगे एंड इसको भी आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक कलर से. ओके इसको आउटलाइन मैंने कर लिया है. नाउ रेड कलर का यूज़ करेंगे. सो रेड कलर से अब हम इसमें
इस तरीके से शेड देंगे। ओके, जैसे हमने और कलर से किया है वैसे ही हमें इसका भी यूज़ करना है, और हर तरफ से पेटल में हमें सी स्ट्रोक्स के साथ शेडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग भी करते रहनी है साइड से इस तरीके से। ओके, सर्कुलर मोशन में आप ब्लेंडिंग करेंगे इस तरीके से, कॉर्नर्स को डार्क करते हुए नीचे की साइड इस तरीके से लेके आना है। ओके, लाइक दिस। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करना है। सो लाइक दिस क्लास, देखिए इस तरीके से मैंने इसको शेड किया है। नाउ यहाँ जहाँ जहाँ पे कर्व्स हैं वहाँ पे इस तरीके से डार्कनेस देनी है रेड कलर से, देखिए। ओके, और उसको ब्लेंड करना है हैंड टू हैंड लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ से यहाँ यहाँ से और इसको ब्लेंड करेंगे बस। ओके, सो यहाँ से इस तरीके से हमें एक बार और शेप करना है। ओके, ये देखिए इस तरीके से। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर से भी हमें इसी तरीके से शेप करना है। सो डन, फ्लावर में तो कलर डन हो चुका है। नाउ लीव्स में अब हमें इस तरीके से नीचे वाले पार्ट में कलर करना है, देन स्टिक, एंड लास्ट में लीव्स को कलर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।